भाई जोजीबल पहुंचने वाले हैं। 1 किलोमीटर रहता है जोजीबल और यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है। वो ऊपर हिमालयन रेंज ये है जोजीबल और मेरे नीचे, और ये कैंपिंग साइट है। यहाँ पे कैंप होता तो हम यहाँ पे कैंप लगाते, पर अभी है नहीं हमारे पास। और ये पूरी वैली है, वहाँ पे गुज्जर लोग रहते हैं, वहाँ पे वो उनकी ये भेड़े अपनी, उनको यहाँ पे आने के लिए कोई परमिट की ज़रूरत नहीं होती, हमें होती है। तो यार ये जोजीबल है, यहाँ पे 1-2 लंगर है, 3 लंगर 4 लंगर दिख रहे हैं मेरे को यहाँ से, और यहाँ पे रुक भी सकते हैं रात को। भाई बिल्कुल अलग टाइट हो गई है बहुत गर्मी की वजह से। तो एक तो ये आदित्य बैठा है और ये बैठा है आर्यन। अभी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि यहाँ पे गर्मी है तो वहाँ उस वाले शेड में जाके बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से उठूँगा तो सीधा चलूँगा इसनाक, 4 किलोमीटर रहता है। और भाई 3.5 किलोमीटर हुआ, 3.5 रहता है, देखते हैं अब क्या होता है। वहाँ पे जाके पहले टेंट लेंगे, फिर जाके देखते हैं कुछ कर पाएंगे तो घूमेंगे, वरना फिर सो ही जाएंगे। क्यों इतने बिल्कुल भाई थकावट ज़्यादा हो गई है, अगर थकावट ना हो भाई बाकी देखेंगे, टाइम बताएगा। अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं। फाइनली अभी टाइम अभी 2:45 हो रहा है और हम शेषनाग लेक पहुँच ही गए हैं लगभग। और यहाँ से व्यू इतनी बढ़िया आ रहा है ना, क्या ये तो नहीं शेषनाग लेक, यही है शेषनाग लेक, हाँ वहाँ पे जाना है, वो कैंप बने हैं ना वहाँ पे जाना है, हाँ वहाँ पे ये होता है व्यू। ये देखो कितना सुंदर है अंकल, इसको देख के तो, ये व्यू देख के तो सारी थकान उतर गई है, बहुत सुंदर है। बहुत बड़ी लेक है ये, 20 मिनट हो गए पर ये लेक क्रॉस नहीं हो रही है अभी भी। थोड़ी थोड़ी सबकी हालत टाइट हो रखी है, जितनी जल्दी अगर हम शेषनाग कैंप पहुंच जाते हैं ना उतना थोड़ा हमें प्राइस सही मिलेगा वहां पे कैंप का, अदरवाइज जब भीड़ होती है ना तो प्राइस एकदम से हाइक होते हैं।
सीधा घोड़ा सीधा घोड़ा सीधा घोड़ा। 2 बजे के बाद हाँ शेषनाग कैंप से आगे जाने नहीं दिया जाता बिकॉज फिर आगे अंधेरा होता है, फिर अगर मौसम खराब होता है तो बहुत दिक्कत होती है। अभी यहाँ से होली के 22 किलोमीटर दूर है, वो सारी हिमालयन रेंज है। हाँ 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 10 गुफा सही आ रहे भैया, ये वाला सामने वाला। अच्छा अच्छा देख लो कैसे। देखो ये भैया ने बताया कुछ, हर हर महादेव चौथी बार आ रहा हूँ भाई। अच्छी बात है भैया, बहुत भैया बता रहे हैं ये पहाड़ है शेषनाग के फन की तरह है। और यहाँ पे अभी लेक पे मैं होके आया हूँ, लेके गया मैं अकेले तो बहुत खतरनाक चल रही थी। बस यही है भैया, आ गए हम लोग। हाँ हम आ गए और बस बेस कैंप पे जो 2 किलोमीटर आ गए। वो देखो उधर मैं कर बैठे घूमने बैठे के ऊपर आओ बैठे के तुम लोग। तो भाई अभी थोड़ी देर सो गए थे हम यहाँ पे शेषनाग लेक पे ऐसे ही किसी लंगर पे, थोड़ी देर रेस्ट किया था हमने, तो 5-10 मिनट रेस्ट करना था। उसके बाद क्या हुआ कि हमें नींद आ गई और अभी इतनी दर्द हो रही है ना पैरों में, तो हमने टारगेट यहाँ का ही सेट किया था वरना हम आगे का करते सेट। हम पिछली बार जो गए थे हम वहाँ तक गए थे पोषपत्र तक। तो अब आदित्य यहाँ पे स्कैन करेगा आदित्य क्या। चल भाई आदित्य हो गया भैया। हाँ हो गया। तो भाई मेरी क्या कहते हैं इसको, इमोजी कहते, क्या कहते हैं इसको, नहीं इमोजी नहीं कहते, बिटमोजी। बिटमोजी आया भाई, देखा कितना बढ़िया बनाया इन्होंने, क्या इंतज़ाम किया हुआ है, बिटमोजी बना रखा है। हम स्नैपचैट पे बनाते हैं, हमें थोड़ा टाइम लगता है, पर इन्होंने बनाया 1 सेकंड में, क्योंकि यहाँ कश्मीर में ना ऐसे इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है उनको गर्मी कम लगती है, हमारे यहाँ हमारा दिमाग नहीं चलता गर्मी। देख उस तरफ चलेंगे जा पाए तो। कर देंगे हैं शांति के कलर में। कल सुबह सुबह निकलेंगे यहाँ से 5 बजे, कैमरा देखते हैं जो होता है, जैसा होता है अच्छा होता है। क्या है? तो यहाँ पे ऐसे घोड़ों के लिए भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं अभी। किसी को ऑक्सीजन नहीं आ रही तो उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये सामने आ गया बेस कैंप, शेषनाग बेस कैंप, वो शेषनाग लेक है, ये है बेस कैंप। यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे रात को पूरा और सुबह जल्दी उठ के यहाँ से निकलेंगे। हेलो जय बोले की। जय बोले की। लेकिन
अभी तो हिम्मत है नहीं आगे जाने की, कल बनाते हैं थोड़ी रात को हिम्मत। तो भाई शाम को यहाँ पे ऐसा टेम्परेचर हो गया कुछ, जहाँ पे दोपहर में 34-35 डिग्री टेम्परेचर था, अब वहीं पे यहाँ पे 4-5 हो गया। और अभी क्या हाल है सलपट? तो भाई यहाँ पे हमने ले लिया है टेंट पे, एक टेंट के अंदर एक बेड, और उस बेड की जो कॉस्ट आई है वो 450 रुपीज़ आई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे खाना कुछ खाने। अगर भाई अगर आप लेट आ रहे हो पहलगाम से तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे टेंट भर जाते हैं फिर टेंट नहीं मिलता है, हमें बहुत मुश्किल से खुद ही मिला है। अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा टेंट कैसा है। थोड़ी देर बाद आता हूँ मैं, यहाँ पे निकलता हूँ। वो भी जो मेरे साथ आए हुए थे वो भी सो रहे हैं। ये है हमारा टेंट जहाँ पे आज हम रुकेंगे। ये देखो ये टेंट है और ऐसे लोग सो रहे हैं।